हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजिन विद पिंकी केश में। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं घी मैसूर पाक, और इसके लिए हमें बस तीन ही चीजों की जरूरत है, वो है बेसन, घी और चीनी। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक कप बेसन। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, फिर सारा मेजरमेंट आप उसी से करें। अब हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करना होगा, तो यहाँ मैंने पैन गरम किया है और एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे 5 मिनट के करीब भूनना है। इसे हमें ज्यादा भूनकर इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर 5 मिनट के करीब भूनना है ताकि इसमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के करीब भून लिया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस बेसन को हम छान लेंगे। हमने बेसन को ड्राई रोस्ट किया था तो इसमें थोड़ी सी गुठलियां पड़ जाती हैं, इसकी वजह से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे बेसन को छान लेते हैं तो इसका एकदम फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ मैंने लिया है एक कप घी। जिस कप से मैंने बेसन मेजर किया था उसी कप से एक कप यहाँ मैंने घी लिया है। घी हमें एकदम जमा हुआ नहीं लेना है, इस तरह का पतला घी हमें चाहिए। आप चाहे तो आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा घी इसमें बेसन में डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बेसन अभी गर्म है तो घी तुरंत ही पिघलना शुरू हो जाएगा। तो लगभग यहाँ मैंने आधा घी इसमें डाल दिया है और ये आधा घी हम अभी साइड पर रख देते हैं, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो आधा घी डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और इस तरह से मिक्स करते हुए एकदम लंप फ्री, ये देखिए, इस तरह का मिक्सर हमें तैयार करना है। अब यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप चीनी। वापस से मैंने मेजरमेंट के लिए वही एक कप का इस्तेमाल किया है और आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हम मीडियम फ्लेम पर चीनी को घुलने तक पका लेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे हम और चीनी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी हमें चाशनी बनानी है, तो चाशनी हमें एक तार की नहीं बनानी है, बस हल्की चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करनी है। ये देखिए, इस तरह का कोई तार नहीं बन रहा है इसमें, बस इतनी ही हमें चाशनी को पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया था उसे हम इस तरह से डालते जाएंगे और एक हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे। तो पूरे बेसन के बैटर को हमें चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारा बैटर डाल दिया इसमें। अब इसे हम अच्छी तरह से चाशनी के साथ मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जो घी हमने साइड में रखा था उसमें से यहाँ मैं 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, फ्लेम को हमें अब बिल्कुल लो रखना है पूरे प्रोसेस में और घी को अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लेना है। जब घी मिक्स हो जाए, वापस से हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देंगे और इसी तरह से हम पूरे घी को बेसन के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो इसे भी हम मिक्स कर लिया, ये देखिए। अब जो बाकी का बचा हुआ घी था, ये देखिए, थोड़ा सा ये भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट कढ़ाई छोड़ने लगा है और थोड़ा सा हम इसे कुक करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए, ये एकदम कढ़ाई छोड़ने लगा है ये मिक्सचर। और एक चेक करने का और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब थोड़ा सा मिक्स इसमें लीजिए प्लेट पर, हल्का सा ठंडा होने दीजिए और ये देखिए, इसकी बॉल सी बन रही है, ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। बस इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और यहाँ इसे सेट करने के लिए मैंने एक स्क्वायर टिन लिया है जिसे मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब फटाफट से हम इस बर्फी मिक्स को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि एकदम सिल्की स्मूथ मिक्स हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए, देखकर ही पता चल रहा है। तो सारे मिक्स को यहाँ मैंने टिन में डाल लिया है। अब इसे हम हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि ये ऊपर से एकदम इवन हो जाए। ये देखिए, अब इसे हम
सेट होने के लिए रख देते हैं तो लगभग 2 घंटे हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर आप फ्रिज में रख दीजिए तो भी ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा बर्फी एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं और कितनी सिल्की और कितनी ग्लॉसी ऊपर से लग रही है। तो साइड्स को हम हल्का हल्का सा लूज कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम मनचाहे पीसेस में इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैं लंबे पीसेस में इन्हें कट कर रही हूँ, आप स्क्वायर कट कर सकते हैं। और मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए एकदम आसानी से कट हो रही है। तो इसी तरह से मैंने सारी बर्फी को कट कर लिया और ये लीजिए हमारे डिलीशियस घी मैसूर पाक बन करके तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आए रेसिपी तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी एक डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।